Hello everyone, my name is Aditya and welcome to Microsoft Flight Simulator और आप देख रहे हैं फ्लाइट प्रो चैनल और आज हम फ्लाई करेंगे दिल्ली से जयपुर। ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3 पर हम हैं इस टाइम पर। और मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ टर्मिनल 3 का, ताकि आप, बहुत से लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोथ। और ये देखिए, ये टर्मिनल 3 है, टर्मिनल 3 एयरपोर्ट, और यहाँ पर टर्मिनल 2 एयरपोर्ट है। मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक फ्लाइट्स टेक ऑफ एंड लैंड ऑन टर्मिनल 2। ये वाला जो एरिया है वो आपका द्वारका एरिया आ जाता है यहाँ पर, और ये आपका कंट्रोल टावर है और ये हमारा एयरक्राफ्ट। अभी इस टाइम पे कोल्ड एंड डार्क सिचुएशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एयरक्राफ्ट अभी चालू नहीं है, इंजन्स ऑन नहीं है। तो सबसे पहले इंजन ऑन करते हैं, उसके लिए हमें बैटरी या एक्सटर्नल पावर चाहिए होगी। एक्सटर्नल पावर हम ऑन करेंगे यहाँ, ये एक्सटर्नल पावर ऑन हो गई है यहाँ पर। और सबसे पहले हम एपीयू मास्टर स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद एपीयू ब्लीड, उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम एपीयू स्टार्ट करेंगे। एपीयू होता है ऑक्सिलरी पावर यूनिट, ऑक्सिलरी पावर यूनिट होती है यहाँ पर एयरक्राफ्ट की टेल पर। ये जो आप छोटा सा छेद देख रहे हैं, ये ऑक्सिलरी पावर यूनिट का एग्जॉस्ट सिस्टम है। यहाँ ऑक्सिलरी पावर यूनिट होती है, एक छोटा सा टर्बाइन इंजन लगा होता है जिसकी वजह से ही एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम्स चलते हैं इनिशियली, और वो तब तक चलते हैं जब तक इंजन्स पे लोड नहीं आ जाता। जब इंजन्स चालू हो जाते तब हमें एयरक्राफ्ट के एपीयू की कोई ज़रूरत नहीं होती। और एयरक्राफ्ट में हर स्टेप पे कुछ ना कुछ चेकलिस्ट होती हैं जो कि कंप्लीट करनी पड़ती हैं। अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये लोड होना है, केटरिंग सर्विसेज भी हैं यहाँ पर, और हमारे पास हमें फ्यूल भी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे कंट्रोल टावर की ग्राउंड सर्विसेज को कांटेक्ट करेंगे, ग्राउंड, दिल्ली ग्राउंड हमने कांटेक्ट कर लिया है। वो कांटेक्ट कैसे होता है? वो कांटेक्ट होता है यहाँ से, रेडियो फ्रीक्वेंसीज यहाँ से कांटेक्ट होता है, ठीक है। और अब हम फ्यूल सप्लाई, पहले सबसे पहले बैगेज सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, बैगेज सर्विस, फ्यूल सप्लाई, जेटवे कनेक्शन, देखिए ये मेरे ख्याल में एक ऑलरेडी रिसीव नहीं, अभी तक हमारी फ्यूल की गाड़ी नहीं आई है। तो जब तक हम कैटरिंग सर्विस ऐड कर देते हैं, रिक्वेस्ट आप जो भी रिक्वेस्ट करना है, कंट्रोल टावर जो ये है यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करना होगा। और उसके बाद ही सब चीज़ें होती हैं,
just telling you in relations to the flight sim world, there's nothing that you need to learn by heart, or there's nothing to follow in real world. It's just for the simulation. I'm telling you, simulation में आप जैसा मर्जी कर सकते हैं, कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है उसकी. स्टार्ट कर दिया है तो शायद आपको आवाज़ आ रही हो. ये देखिए, ये आवाज़ आ रही है ऑक्सीलरी पावर यूनिट स्टार्ट होने. ये सारी चेकलिस्ट मैं बाद में डिस्कस करूँगा. स्टार्टिंग इंजन हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे और पहले हमारे पैसेंजर्स सारे आ जाएं, उसके बाद एयरक्राफ्ट का जो नाम है वो है 6E114. ये एक रियल वर्ल्ड फ्लाइट नंबर है इंडिगो का. इसमें दिखाता हूँ, ये देखिए फ्लाइट नंबर 6E114. हम दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं और हमारा फ्लाइट लेवल होगा 12,000 फीट. -9 टेम्परेचर होगा, -9 डिग्री. और एक बार मैं आपको फ्लाइट प्लान और दिखा दूँ. फ्लाइट प्लान मैंने अपडेट कर दिया था इसमें. दिस इज़ MCDU और ये कंप्यूटर है. एयरक्राफ्ट का हार्ट कहा जाता है ये. अच्छा, अब हमारे पास हमारा ट्रक आ चुका है, फ्यूल ट्रक. अब वो पूछ रहा है हमसे कि हमें कितना लोड चाहिए. तो हमें सेंट्रल टैंक में करीब करीब 420 इतना काफ़ी, नहीं तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा हमारा एयरक्राफ्ट. अब एयरक्राफ्ट लोड हो चुका है. नाउ वी आर सेइंग दैट अबाउट द फ्यूल. यहाँ बाकी अदर एयरक्राफ्ट भी हैं. यहाँ पर एक विजेर है, ये मेरे ख्याल से जापान एयरलाइंस है. जापान एयरलाइंस, यस, जल एयरक्राफ्ट है. और चलते हैं एयरक्राफ्ट पे.
अच्छा, तो ये हमारा फ्लाइट प्लान है और मैं फ्लाइट प्लान चेक एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाई करेंगे रनवे 29 से, उसके बाद लेंगे लेफ्ट। अगर मैं इसको मूव डाउन करता हूँ थोड़ा सा, तो इस पर पूरा फ्लाइट प्लान आपको मिल जाएगा। ये देन रिबॉन, ये बाकी वे पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड देन जयपुर एयरपोर्ट। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो रिलेटेड टू एनी थिंग, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। जितना भी मुझे पता है एज अ फ्लाइट सिमुलेटर पायलट। ओके, अब हम सारी चीज़ें फटाफट डिस्कनेक्शन कर देते हैं जेट पे को। रेडी टू पुश बैक, ये पुश बैक ट्रक होता है, दिस इज योर पुश बैक ट्रक। फ्रंट नोज व्हील यहाँ कनेक्ट होती है, उसके बाद ये पुश बैक करता है। तो पुश बैक के लिए भी हम ATC क्लियरेंस लेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे पुश बैक। हमने भेज दिया है इंडिगो 6E114 हैवी रिक्वेस्टेड पुश बैक। ओके, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। Thrust levers, idle. Engine mode selector. Engine mode selector. IGN/start. Yes. Engine master 2. Okay, engine master 2. Let's on. Start. The engine master 1. Both the engines have been started. दोनों engines start हो गए हैं। अब हम stabilize देखेंगे कि around 25 तक monitor करेंगे to get them stabilized. क्लाइम सेट करते हैं 6,000 12,000 सेट करते हैं, स्पीड इज ओके, फैक्टर एंट्री ऑन कर लेते हैं, ब्रेक्स हमने मैक्स पे किए हैं, क्योंकि अगर इंजन फेलियर होता है टेक ऑफ के टाइम पे, तो हमें मैक्सिमम ब्रेक्स चाहिए। फ्लैप्स हम सेट कर लेते हैं पोजीशन 1, कॉकपिट कुछ ऐसा दिखता है गाइस, ये जॉयस्टिक है, लेफ्ट left.
एजेंसी से पहले करने होते हैं, ये चेकलिस्ट के अंदर इंक्लूडेड होता है। और इतना बहुत है पुशबैक, अब हम स्टॉप कर सकते हैं पुशबैक, रिक्वेस्ट पुशबैक स्टॉप, इंडिगो दिल्ली गो एयर इज आल्सो टैक्सिंग टू गेट, ये सारी गो एयर के लिए हैं, गो एयर टैक्सी, ये टैक्सी वे है गो एयर के लिए 202, ओके बाय। आफ्टर स्टार्टिंग अब हम एपीयू ऑफ कर सकते हैं क्योंकि अब हमें ऑक्सिलरी पावर यूनिट की जरूरत नहीं है, तो अब हम वो वाली चेकलिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं फटाफट से। एपीयू ब्लीड ऑफ, एपीयू मास्टर स्विच ऑफ, एंजिन मोड सिलेक्टर Normal. Okay. This is done. Okay. अब हम thrust levers को थोड़ा सा power देते हैं ताकि हम taxi कर पाएं। बाउंस कर रहा है थोड़ा सा स्लो कर लेता है, पता लगा नहीं टेक ऑफ कर गया, सो इट विल बी अ ट्रबल फॉर अस।
चलिए रेडी फॉर टेक ऑफ किया जाए। Alright guys, let's take off from runway 29 Delhi IGI. और हमारे थ्रस्ट लीवर्स में फुल पावर्स very nice takeoff, dead straight takeoff, that's amazing, बहुत बढ़िया takeoff हुआ है इस बार हमारा और बहुत smooth takeoff हुआ है। अब हम as per the plan यहाँ से हम left लेंगे, उसके बाद हम autopilot पे हमारा जो flight plan है उसको एंटर करेंगे ताकि ऑटो पायलट अपने आप उसे टेक ओवर कर लेगा और सॉरी और हम फ्लाई करेंगे टुवर्ड्स जयपुर। थोड़ा सा हैंड फ्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है फ्लाई करने में। फ्लैप्स अप कर लेते हैं हम क्योंकि फ्लैप्स की ज़रूरत नहीं है, 6,000 फीट पर पहुँच चुके हैं, अब हम यहाँ से क्लाइंब ही करेंगे। तो अब मैं ऑटो पायलट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑटो पायलट होता है यहाँ AP1, ये लिखा है एंगेज ऑटो पायलट, ऑटो पायलट को हमने क्लिक कर दिया। अब एयरक्राफ्ट कंप्यूटर ने अपने आप टेक ओवर कर लिया है और अब सब कुछ कंप्यूटर के हाथ में, अब अगर मुझे मॉनिटर करना हो तो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत उल्टा जा रहा है और आई एम नॉट श्योर क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने जो फ्लाइट प्लान सेट किया है उस पर फ्लाई करना ज़रूरी है, पता नहीं इट्स बिहेविंग वियर्ड कि अगर ऑटो पायलट पर मैं क्लिक करता हूँ
तो ऑटोमेटिकली ये पाथ डिफाइंड पाथ पे इसको फ्लाई करना चाहिए, जो कि नहीं हुआ था. एज यू ऑल नो कि बहुत सारा ग्लिच है माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर में, जो कि दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन मेकिंग दिस अ वेरी गुड फ्लाइट सिम्युलेटर. हमारी स्पीड कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, अब हम थोड़ा सा डिक्रीज कर लें स्पीड को. तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सजेशंस हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. And I will be able to answer all the questions. I'll try answering all the questions. And we will be doing English version as well for all the flight simulators. For the international flights, we'll do in English. And for all domestic sectors, we'll do in Hindi. So, ऐसे दोनों cover हो जाएंगे. ट्रैफिक कंट्रोलर की जरूरत नहीं है मुझे, इसकी भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी. वी आर हैविंग लिटिल बिट ऑफ टर्बुलेंस. टर्बुलेंस यहाँ से दिखता है, ये आप एरो देख रहे हैं, ये एरो विंड बता रहा है. हमारा एयरक्राफ्ट ये है और विंड इस तरफ से आ रही है 270 डिग्री से. ऑन करना ही भूल गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे. ओके, देख लेते हैं. कैमरा एंगल्स देखे जाए आप, जो कि माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर में है. ये ड्रोन कैमरा है, कुछ फिक्स्ड कैमरास भी हैं जो कि बहुत अच्छे व्यू करते हैं, जैसे कि ये. अक्सर हम लोग जब फ्लाई करते हैं तब इस तरह का ही नज़ारा कुछ दिखता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल होता है. बादलों के ऊपर इस टाइम हम फ्लाई कर रहे हैं 12,000 फीट पे. हम ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहते क्योंकि बहुत छोटी फ्लाइट है, कुछ ज़्यादा लंबी फ्लाइट नहीं है. रफली अराउंड 30-40 मिनट्स की ये फ्लाइट है. इसमें शायद ही आपको पानी मिले, बट कोशिश ज़रूर रहेगी कि आपको खाना तक प्रोवाइड किया जाए. बट नॉट गारंटी, सॉरी अबाउट दैट. तो ये कुछ और एंगल्स हैं, कैमरा एंगल्स, जो कि अच्छे लगते हैं. कैमरा 6 कैमरा विंग पे लगा हुआ है, जो कि अगेन लुकिंग वेरी अमेजिंग. और एक्सटर्नल कैमरा 5 इज दिस वन, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है. जो इंजन से जो थ्रस्ट निकलता है और जो एयर स्कैटर्ड होती है, वो तक बहुत अच्छे से और क्लियर इस सिमुलेटर में दिखाई दी है. और रियली हैप्पी टू हैव दिस सिमुलेटर. दिस इज वन अनदर एंगल वेयर इन we can see our flight Indigo 6E114 departing from Delhi IJI to Jaipur.
external camera. This is very nice view. जो इंडिया में एयरक्राफ्ट आते हैं और जो इंडिया में रजिस्टर होते हैं उन सब के रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखा होता है, और जितने भी इंडिया में रजिस्टर होते हैं वो शुरू होते हैं VT से। तो कोई भी एयरक्राफ्ट हो जिस पे आपने देखा हो VT लिखा हो वो इंडिया में रजिस्टर्ड है। उसके बाद उसका यूनिक कोड होता है, हर एयरक्राफ्ट का अपना एक अलग कोड। एक्सटर्नल कैमरा 1, और दिस इज़ अ वेरी नाइस व्यू, दिस इज़ अ वेरी नाइस व्यू। ये तो हो गए फिक्स्ड कैमरास, ये हमारा है ड्रोन। अब ड्रोन कैमरा को हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया टू हैव अ ड्रोन नियर बाय द एयरक्राफ्ट। ये हर एंगल से आप एक्सेस कर सकते हैं एयरक्राफ्ट को भी, और जो भी आसपास सीनरी है उसको भी। बटन्स, काफ़ी सारे बटन्स जो हैं वो काम नहीं करते हैं, जैसे ये इनऑक्यूपेट है, इन ऑफ है, ये डिफ़ॉल्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहा हूँ मैं आज। इसके बहुत सारे मॉडिफाइड वर्जन्स भी आते हैं जो कि एक्सटर्नल कंपनीज डेवलप कर रही हैं, जिसमें कि एक है फ्लाई बाय वायर करके मॉडिफिकेशन, जो कि जिन्होंने अपना मॉडिफिकेशन बनाया हुआ है A320 का। सो ये एयरक्राफ्ट A320 है, एयरबस A320, और इस पे उन्होंने मॉडिफिकेशंस ऐसे किए हैं कि सारे बटन्स चलते हैं, और बेसिक्स जो मैं आपको बता पाऊँगा वो ये है कि ये स्पीड इंडिकेटर, इसलिए यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये आप साइड पे ये बटन देख रहे हैं छोटा सा, ये बताता है कि इट हैज़ बीन मैनेज्ड ऑटोमेटिकली बाय ऑटो पायलट। ऑटो पायलट इसे ऑटोमेटिक मैनेज कर रहा है, इंक्लूडिंग हेडिंग। ये HDG देख रहे हैं आप, दिस इज़ हेडिंग, ये हेडिंग का बटन है, ये भी ऑटो पायलट मैनेज कर रहा है। ये ऑल्टीट्यूड है, 12,000 feet पे हम उड़ रहे हैं। हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं चाहें तो, अगर हम चाहें तो हम 50,000 feet, हम जैसे ही 50,000 feet गए और हमने इसे एंगेज कर दिया, सिलेक्टिंग एंगेज सिलेक्टेड ऑल्टीट्यूड मोड। नाउ व्हाट विल एयरक्राफ्ट डू, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, नाउ एयरक्राफ्ट विल क्लाइम, वो क्लाइम करना शुरू करेगा धीरे धीरे। यहाँ पर 15,000 feet हमने फीड कर दिया है, और यहाँ पर आ गया है ऑपरेशन क्लाइम, OBCLB, सो इट इज नाउ स्टार्टेड क्लाइमिंग। बट हमें ज़्यादा देर 15,000 feet पर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बस पहुँचने ही वाले हैं कुछ ही देर में, और ये देखा जाता है रेंज सिलेक्टर से। ये 60
नॉटिकल माइल्स, 40 नॉटिकल माइल्स, 20 नॉटिकल माइल्स, तो ये अराउंड 60 नॉटिकल माइल्स पे हम राइट लेंगे। तो हमें अब ज़रूरत नहीं है कि इतने ऊपर हम जाएं, हमें वहाँ जाना चाहिए 10,000 फीट पे, जो कि हमारे लिए भी ठीक रहेगा और हमारे पैसेंजर्स के लिए भी, आप लोगों के लिए भी ठीक रहेगा। हम उसको बुक कर देते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पेशा। इस वे पॉइंट तक जब तक पहुंचते हैं, इस वे पॉइंट पर पहुंचने के बाद, वे पॉइंट का नाम है डिसेल, इस वे पॉइंट पे पहुंचने के बाद हम स्पीड स्लो कर लेंगे और हम आ जाएंगे 6,000 फीट पे। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मैंने अभी सेट कर दिया, अभी एंगेज नहीं किया, भी सिर्फ सेट किया है और हम स्पीड भी स्लो करेंगे। वेदर भी चेंज कर सकते हैं, सिंस हम लाइव ट्रैफिक और लाइव ATC के साथ नहीं फ्लाई कर रहे हैं, हम इसमें किसी भी तरह का वेदर चूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी ये शाम का है, हम इसे 10-11 बजे का नहीं कर सकते हैं और प्योर क्लाउड्स की जगह स्कैटर्ड क्लाउड्स भी कर सकते हैं। देखा आपने स्कैटर्ड क्लाउड्स, दोबारा से प्योर क्लाउड्स कर देते हैं इसको, क्योंकि हम उसी गति में फ्लाई कर रहे हैं। अब हम काम करते हैं फटाफट से, देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। अब हम 6,000 एंगेज कर देते हैं, अभी 6,000 फीट पे जाने के लिए रेडी है।
हम ब्रेक्स सिलेक्ट करेंगे मीडियम, लैंडिंग के लिए हम मीडियम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो टायर के ब्रेक्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाए। मैक्स हम टेक ऑफ में इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इंजन फेल हो जाता है तो हमें मैक्सिमम ब्रेकिंग चाहिए, इसलिए मैक्स करते हैं। और रेगुलर लैंडिंग के लिए2500. वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि नीचे टेरेन है, नीचे पहाड़ है, इसलिए2500.
ओके, अब हम कुछ ही देर में यहाँ से राइट टर्न लेंगे और आईएलएस अप्रोच करेंगे स्ट्रेट टुवर्ड्स द रनवे। हम इसको ऑन करेंगे जैसे ही हम पहुँचने वाले होंगे। स्पीड हमारी रफली अराउंड 175 समथिंग इस टाइम पर, जो कि ठीक है, ना ज़्यादा कम है और ना बहुत ज़्यादा है। और कॉन्स्टेंटली जो एयर है वो इसी डायरेक्शन से आ रही है, तो अब हम जब राइट लेंगे तब हमें हेडविंड मिलेगी। हेडविंड मींस सामने से हवा आ रही है, विच इज़ फाइन, मैनेज कर लेंगे। लेट्स चेक, लेट्स ट्राई दिस वन। हमारी कोशिश रहेगी कि आराम से और धीरे से लैंडिंग कराई जाए, एज स्मूथ एज पॉसिबल, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट लैंडिंग। टेक ऑफ बहुत अच्छा हुआ था, नो डाउट, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतना स्ट्रेट टेक ऑफ भी मैं कर सकता हूँ। अब हमें रनवे दिखने लगा है, दिस इज़ द रनवे नाउ। ओके, अब हमने राइट ले लिया है और हमारा एयरपोर्ट हमें देखने लगा है। जूम इन करके दिखाता हूँ, ये एयरपोर्ट है जयपुर एयरपोर्ट और कुछ ही समय में हम यहाँ लैंड करने वाले हैं। हमने 2500 डाउन कर लिए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था हेडविंड मिलेगी हमें, वही बात हो रही है, हमें हेडविंड मिल रही है। हमने जैसे राइट लिया था और हेडविंड मिली, अब कोशिश करनी होगी कि बिल्कुल स्ट्रेट लैंडिंग कराई जाए क्योंकि ये मेरी पहली लैंडिंग है। तो लेट्स सी। डिफ़िकल्टी होती है जब जब क्रॉस विंड होती है बहुत ज़्यादा और इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर ऑल दी पायलट्स टू लैंड इन क्रॉस विंड। अभी हम काफ़ी ऊपर हैं,
1,000. For us. Wow, this is an amazing, amazing landing. Wow. Maza aa gaya guys. Welcome to Jaipur City. Welcome to Jaipur Airport. Bahut hi zyada smooth landing thi ye wali. Aur मुझे लगा नहीं था कि मैं इस तरह की लैंडिंग भी कर सकता हूँ और बहुत स्मूथ स्ट्रेट और हमारे पैसेंजर्स को काफ़ी मज़ा आया होगा जर्नी में फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर. ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी. इसके बाद हमारी और भी फ्लाइट्स होंगी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. व्हाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज वी विल बी डूइंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स एज वेल. दोज विल बी कम्प्लीटली इन इंग्लिश बिकॉज वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी. हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होंगे एंड दीज आर डोमेस्टिक फ्लाइट्स. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ क्योंकि हमारे दोनों तरह के पैसेंजर्स हैं जो कि हमारे साथ फ्लाई करते हैं. और आज हम इंडिगो से उड़े हैं. उसके बाद हम एयरक्राफ्ट चेंज करके हम विस्तारा से फ्लाई करेंगे. हम स्पाइसजेट से भी फ्लाई करेंगे. हम एयर एशिया से भी फ्लाई करेंगे. और बहुत मज़ा आने वाला है. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. कोई भी क्वेश्चंस हैं मैं रिलेटेड टू एविएशन, रिलेटेड टू टिकटिंग, रिलेटेड टू एयरलाइन, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब देने का. तो गाइस आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और फ्यूचर में आप क्या देखना चाहेंगे, किस एयरलाइंस के साथ देखना चाहेंगे. हमारे पास बहुत सारी एयरलाइंस हैं इस माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर में और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं हमारे पास. एमिरेट्स है, ब्रिटिश एयरवेज है और एतिहाद है एट्सेट्रा. बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं एंड विल बी कवरिंग ऑल द इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू ऑल द इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस. जो ये फ़्लाइट थी हमारी वो एक रियल वर्ल्ड फ्लाइट है विद फ्लाइट रियल वर्ल्ड फ्लाइट नंबर इंडिगो. अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा 6E114 विच डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर विच डिपार्ट्स रफली अराउंड 10 o'clock इन द मॉर्निंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट trip later.